ओम शांति। हम सभी बाबा से और उसकी सेवाओं से बहुत प्यार रखें तो परिवार में सबका प्यार मिलता रहेगा। प्यार मनुष्य की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना जीना बहुत मुश्किल काम है। हर व्यक्ति प्यार चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बचपन से ही प्यार नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वभाव के कारण, अपने संस्कारों के कारण सबका प्यार खो दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही विकारों के कारण चिड़चिड़े रहने लगे, उन्हें कोई भी प्यार नहीं करता। कुछ ऐसे भी हैं जिनके कर्म उन्हें सबके प्यार से दूर ले गए। हम स्वयं को प्यार का पात्र बनाएं। अब तो हमारे साथ बाबा है, प्यार का सागर है जो सभी को प्यार करता है। उसका अनकंडीशनल प्यार है, परंतु यदि उसका बहुत प्यार प्राप्त करना हो तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक माता पिता अपने सभी बच्चों को प्यार तो करते ही हैं, लेकिन जो बच्चा बहुत योग्य हो, आज्ञाकारी हो, स्वीट हो, चरित्रवान हो, सब समझ सकते हैं उससे कितना ज्यादा प्यार रहता है। हम भी यदि भगवान के प्यार के पात्र बनना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाकारी बने। और उसकी आज्ञा है सबको सुख दो, उसकी आज्ञा है सच्चाई पर चलो, उसकी आज्ञा है पवित्रता को धारण करो, उसकी आज्ञा है ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन सफल करो। जो उनकी इन आज्ञाओं पर चलते हैं उन्हें उनका ज्यादा प्यार मिलता है। और प्यार के सागर का प्यार मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। आप अपने लौकिक परिवार में हैं, आप सबको प्यार देते चलें। आप बड़े हैं, सबको प्यार दें। याद रखेंगे, आपका प्यार दूसरे के चरित्र का निर्माण करता है। आपका प्यार उनको जीवन जीने का बल प्रदान करता है। आपका प्यार उन्हें समस्याओं को समाधान करने में भी बल प्रदान करता है। अपने प्यार की शक्ति को पहचाने। बिगड़े हुए बच्चों को प्यार के बल से, सद्भावनाओं के बल से आप ठीक कर सकते हैं। प्यार के साथ सद्भावनाओं का बल भी हो, साथ साथ स्वमान की स्थिति भी हो, तो आपका प्यार बहुत डिवाइन और प्रभावशाली बन जाएगा। रही बात हम स्वयं कैसे प्यार प्राप्त करें, सभी जानते ही हैं, मनुष्य अपने कर्मों के आधार से ही सबके प्यार का पात्र बनता है। हम अपने को बहुत स्वीट बनाएं, सबको प्यार देते भी चलें, तो हम भी प्यार के अधिकारी बनते चलेंगे। लेकिन एक अलौकिक रहस्य तो यही है, जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही सबके प्यारे, विश्व के प्यारे, बाबा के प्यारे। तो भगवान का प्यार पाना है, संसार हमें प्यार करे, हम स्वयं को इस देह से मुक्त करते चलें। मैं आत्मा अलग और ये मेरा स्थूल शरीर अलग। आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। मैं चमकती हुई मणि मास्टर ज्ञान सूर्य भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। हाथों से कर्म करा रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। ये बहुत अच्छा अभ्यास प्रति घंटा एक बार अवश्य करेंगे और अपने परिवार में प्यार की सरिता बहाएंगे। इसके लिए गुणग्राही दृष्टि रखना और दूसरे को एप्रिशिएट करना परम आवश्यक है। आप अपने घर में ये दोनों चीजें अपनाओ, सब भी अपनाएं, सबको भी सिखा दें, एक दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करें, बच्चों को उमंग उत्साह दिलाकर अप्रिशिएट करें,
और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सभी के गुणों को देखें, पहचाने। दृष्टि ही गुणग्राही हो, क्योंकि अवगुणी दृष्टि खुशी को नष्ट करती है, गुणग्राही दृष्टि हमें गुणवान बनाती है। तो आज सारा दिन ऐसे विधि होने का अभ्यास भी करेंगे और प्यार बांटेंगे, जिसे भी देखेंगे इस नजर से ये देव कुल की महान आत्मा है, तो हमारे प्यार के वाइब्रेशंस सबको बल देते रहेंगे। ओम शांति।